हमारे भाई की आज शादी है, भाई मतलब लंगोटिया यार, दोस्त भाई कुछ भी कह सकते हैं। भाई साहब भाभी आने वाली है भाई, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। तो हम लोग अपने आप जा रहे हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सामने। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम भी ठीक ठाक हैं। आज हम जाने वाले बारात, देख सकते हैं आप लोग, दौड़ी की सेटिंग, बाल की कटिंग करवा के आ चुके हैं और नहा धो के खाना पीना खा के निकल रहे हैं दुकान पे। देखिए हम रास्ते में रुके हैं, जस्ट हम दुकान पर पहुँचने वाले हैं। एक फ्रेंड की शादी है लंगोटिया यार था, तो आज उसी की शादी में जाना, उसके शादी में कैसा क्या नज़ारा रहेगा सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो दोस्तों हम दुकान पर आ चुके हैं और पूजा पाठ कर चुके हैं, धूप बत्ती जला चुके हैं, दिख तो नहीं रहा इसमें, बट पूजा पाठ कर चुके हैं और देख सकते हैं बैठे हुए हैं। आप लोग से हमारी रिक्वेस्ट, प्लीज़ दोस्तों थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और फटाफट मतलब जल्द से जल्द हमारा 1K पूरा करा दीजिए, क्योंकि 1K में बहुत ज़्यादा बाकी नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए और 1K फटाफट आप लोग पूरा करा दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं आज सीधे बारात में। थोड़ा वहाँ डांस वांस भी होगा, क्योंकि डांस सिंपल सी बात है यार, क्योंकि जहाँ डीजे रहता तो मैं थोड़ा मज़ा आता है ना, पता नहीं क्यों, सच्चाई बता रहा हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ। मुझे डांस करना, सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अगर डीजे रहता है तो दोस्तों के साथ मैं इंजॉय ज़रूर करता हूँ। तो आज भी इंजॉय करने वाले हैं और आप लोग के साथ शेयर भी ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा, वीडियो को स्क्रिप मत करिएगा। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए, उनसे मेरी खास रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आज प्रेस सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। क्या बोलिए मुझे दामन खाली। दोस्तों हम लोग लंगोटिया यहाँ जो भाई था उसकी शादी है, यहाँ पे आ चुके हैं, सभी मित्र इकट्ठा हो चुके हैं और काफ़ी मजा आएगा बारात में जब पहुँचेंगे, काफ़ी इंजॉय हम लोग करेंगे वहाँ पे मिलकर। आप लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को स्क्रिप मत करिएगा, अभी बहुत मजा आएगा भाई, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में बने रहेगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस समय घर से बारात निकल चुकी है और काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी मौज मस्ती के साथ सब लोग बाहर निकले हैं और देख सकते हैं डांस प्रोग्राम चल रहा है अभी। दोस्तों आवाज़ तो आ नहीं रही होगी, अगर आ रही होगी तो सही है। देख सकते हैं सभी मित्र लोग यहाँ पे रेडी हो चुके हैं बारात में एंजॉय करने के लिए। उधर मारुति है, मारुति रेडी है, उधर देखिए डीजे बज रहा है, सभी लोग मस्ती करते हुए डांस वगैरह कर रहे हैं। अभी हम लोग भी चल के वहाँ शरीक होंगे और डांस प्रोग्राम में हम लोग शामिल होंगे, आप लोग सभी मस्ती करते हैं मिलके। और देख सकते हैं उधर बस भी खड़ी है, बस के अंदर सभी लोग बाराती लोग बैठ रहे हैं वहाँ पे। अरे हमारे एक भाई यूट्यूबर है, ये भी ये देसी गैंग मतलब शॉर्ट अभी चैनल मतलब देसी गैंग एडीएस, और सभी को हमारा नमन। आप सब कृपया भाई के चैनल को भी प्यार दुलार दीजिए और थोड़ा बहुत उसी में से 250 ग्राम निकाल के हम लोगों को भी दे दीजिएगा भैया। हमारे अभी तो मतलब जल्दी चैनल क्रिएट किए हैं, तो इनका कॉमेडी का चैनल है, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शॉर्ट ही वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो आगे आप लोग को इनके चैनल पे जाइएगा, विजिट करिएगा, आगे आगे आप लोग को काफ़ी अच्छी अच्छी लॉन्ग वीडियो भी मिलेगी। तो आज अभी सारी वीडियो बनी है, थोड़ा सा समय का अभाव और कुछ संसाधनों की कमी की वजह से नहीं हो पा रहा। खैर 2-3 दिन में एक आधी वीडियो आ रही है, एक बार देखिएगा और कैसा लगा आप बताइएगा जरूर। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहेगा, वीडियो की स्क्रीन मत करिएगा। अभी बारात में काफी मजा आने वाला, सब लोग मिलके एक साथ डांस करने वाले हैं। Oh,
चाहे जिंदगी ऐसी जी, चाहे जिंदगी है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इधर जयमाल सिस्टम रखा हुआ है, अभी थोड़ी देर बाद जयमाल होने वाला है। तो यार आप लोग देख सकते हैं भोजन कार्यक्रम चल रहा है, सभी भाई लोग मतलब जो भी लोग हैं बराती घराती सभी लोग इस समय भोजन कार्यक्रम में सम्मिलित होकर भोजन कर रहे हैं। तो हम लोग भी सोच रहे हैं कि भोजन कर लिया जाए, बट अभी कुछ यार दोस्त इधर उधर पड़े उन्हीं के ढूंढ में लगे हुए हैं, वो लोग मिल जाते हैं फिर तुरंत भोजन कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित होकर भोजन कार्यक्रम भोजन करेंगे। दोस्तों हम तीनों भाई इस समय खाना खा रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं बगल में जयमाल कार्यक्रम होने वाला है। तो खाना खाने उसके बाद आप लोग को लेके चलेंगे सीधे जयमाल कार्यक्रम में, वहाँ पे जयमाल दिखाएंगे और दूल्हा दुल्हन दोनों लोग को दिखाएंगे। बस आप दोस्तों हमारे भाई की आज शादी है, भाई मतलब लगभोटिया यार दोस्त भाई कुछ भी कह सकते हैं। तो आज इसकी शादी है तो शादी में काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। वो अभी देख सकते हैं आप लोग सामने दुल्हन भी आ रही है, जस्ट हम लोगों का यहाँ से हटने वाली मतलब कंडीशन टाइम आ चुकी है। भाई भाई साहब भाभी आने वाली है, भाभी के आगे हम लोग और ठीक आप लोग बने रहिएगा भी मेरे साथ में, भाभी को दिखाने वाले हैं। अरे यार हम भाभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, तो हम लोग हटने आप जा रहे हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सामने। चलिए ठीक है जितने भी जयमाल होने जा रहा है, हमारे भाभी जी हमारे भैया की आरती ले रहे हैं। हमारे परम प्रधान जी अभी परसों से विलुप्त थे, अभी प्रकट हुए हैं, पता नहीं डेढ़ घंटे बाद खाना का दर्शन हुआ, अभी रो हो के आ रहे हैं, देख लिए आप
आंखों में आंसू। आप लोग देख सकते हैं इधर खाना मतलब जो भोजन कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और इनका कम से कम 1.5 घंटे से हम लोग वेट कर रहे थे और फोन करते करते सब लोग थक गए। फोन कर रहे थे भाई और फोन करते करते मतलब थक गए परेशान। लास्ट में हम लोग मतलब मजबूर होके खाना खा चुके हैं और इधर खाना वाना का प्रोग्राम सबको शांत हो चुका है और इनका पेट तो भर चुका होगा वैसे ही। दोस्तों दबा के शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। भैया जनगण मरना होता है। अब्बे पैर पे झुका दे। भाई झुका के ना झुके तो पता सोच रही ना। अच्छा यार मलबा कहाँ है? देखो मलबा निकल गया दोनों मलबा। जय मलबा महाराज। अरे सौरभ भैया टंकी उठा ले लड़का छोट पड़ गया। नहीं अरे चुप रहता है लड़कों का छोटा है उनसे लंबा है लड़के बाद। दोस्तों हम लोग बारात से घर जा रहे थे। रात में भारी बारिश के चलते आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी, कचड़ा ही कचड़ा, मिट्टी दिख रही है। तो काफ़ी दिक्कत हुई बारिश के चलते, बट जो हुआ तो अच्छा हुआ। अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। वाह ये देखिए बारिश का नजारा देखिए। बारिश ने मचाई तबाही चारों तरफ, मचा हाहाकार। पेड़ पौधे सब कांडो करते हुए, लाइट बिजली सब एकदम गिर गई। चारों तरफ तबाही तबाही हो गई है। तो दोस्तों काफी नुकसान भी हुआ है चारों तरफ, पेड़ पौधे लाइट बुढ़िया रोड। इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते दोस्तों हम लोग कटका बाजार में पहुंच चुके हैं। कटका कटका है कटका बाजार में हम लोग विजिट कर चुके हैं। इधर चक्का की धुलाई हो रही है पानी में ले जाके बाइक को, क्योंकि मिट्टी लग चुकी है ज़्यादा। तो मस्ती करते हुए हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और ये देखिए दोस्तों ये रास्ता श्री गोविंद साहब जाएगा। दोस्तों ये रास्ता रफीगंज गया है। दोस्तों हम लोग इस समय कटका बाज़ार में रुके हुए हैं और ये देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा कटका बाज़ार जहाँ तक आप लोग को दिख रहा है ये सब कटका बाज़ार है। और ये रास्ता सीधे निकल जाएगा आपको रफीगंज होते हुए जलालपुर, और इधर से आगे से अभी टर्न लेगा और सीधे गोविंद साहब जाएगा। लाइट गई इधर की लाइट तो गई भाई। वाह मुड़ उड़ मत लड़ाना यार, यही तो गई है लाइट। दोस्तों रात में आंधी वगैरह आई थी तो फिलहाल खाना पीना खा के हम लोग वहीं बारात में ही सो गए। तो वहीं बगल में एक रिश्तेदारी थी तो वहाँ पे जाके सभी लोग वहाँ पे रात भर सोए मौज से आराम से। सुबह जगे तो फिर अभी घर आए जस्ट, उसके बाद नहा धो के खाना पीना खा के फिर हम आ जाते हैं दुकान पे। और पूजा पाठ कर चुके हैं, अब दिन भर दुकान पे रहेंगे तो दुकानदारी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ना अच्छी लगी हो तो फिर भी लाइक कर देना यार प्लीज़। तो ठीक है, आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम आप लोग से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।